इसकी लंबाई हमारी पहले थी 38 और अब हमारी लंबाई है इसकी यानी 41, यानी पूरी पूरी हमने इसकी 3 इंच जो हमारी लंबाई है इसकी बढ़ चुकी है। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, कैम छे। तो डे डिजाइन ऑनलाइन में एक न्यू वीडियो के साथ आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हो, मैंने सूट बिछा रखा है और ये मेरे बने बनाए कुर्ती है। तो आप ही सोच रहे होगे कि मैं इसमें क्या करने वाला हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हो, इस मेरी जो कुर्ती है, ये मेरी कॉटन की कुर्ती थी जो कि मेरे घर की थी, जो मतलब धुलने के बाद, स्लिंग होने के बाद इसकी लंबाई और मतलब फिटिंग जो है मतलब बहुत ज़्यादा मतलब छोटी हो चुकी है। तो मैंने फिटिंग तो इसकी बड़ी कर ली है खोल के, लेकिन इसकी लंबाई का क्या करना है मैं थोड़ा इससे कंफ्यूज था। तो मैंने सोचा क्यों ना एक नई वीडियो बनाऊं और आप सभी दोस्तों के साथ शेयर करूं। तो इसकी लंबाई बढ़ाने के लिए मैं आपके साथ ये वीडियो शेयर कर रहा हूं। तो अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और इसे शेयर करें। तो मैंने ये बिछा रखा है, ये मेरी कुर्ती है, ये हमारी एक्सरसाइज की है। तो इसी के नीचे लगाने के लिए मैं एक नया एक लेस ली है, जैसे कि आप देख सकते हो ये, और ये इसमें काफ़ी मतलब हद तक मैच हो रही है। इसके डिज़ाइन के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट जा रही है। तो आप कभी भी लेस लगाएं तो कुर्ती को साथ लेके जाएं और जो उसकी कॉम्बिनेशन के हिसाब से लगे वो आप ले सकते लगा सकते हो। तो ये जो मैंने बेल ली है, मैंने 1.25 मीटर ली है। आप अपने अकॉर्डिंग जितना आपका दामन आता हो आप उसके अकॉर्डिंग ही ले लेना। तो मैंने ये 1.25 मीटर बेल ले ली है और मुझे इसके आगे पीछे लगाना है और मैं आपको बताऊंगा कि हम कैसे करके लगाएंगे। तो ये हमारे नीचे से जो फोल्डेड है, हमें इसमें कुछ नहीं खोलना है, मैंने इसमें कहीं सिलाई उलाई नहीं खोलनी है। बस क्या करना है, तो ये दामन आप देख रहे हो, हम दामन के हिसाब से हम इसको बेल को लगाएंगे। तो मैंने बेल कितनी ली है, ये बेल मैंने ली है 1.25 मीटर। तो मैं इस बेल को इस तरीके से डबल कर लूँगा, डबल फोल्ड करके इसके ऊपर हम इस तरीके से रख देंगे। और यहाँ से हमें दोनों दोनों साइड से हमें 1-1 इंच एक्स्ट्रा लेना है। 1-1 इंच एक्स्ट्रा मैं इसलिए ले रहा हूँ ताकि हम इसको फोल्ड करें तो ये हमारा सही आ जाए, क्योंकि हम इसके दामन तो चाक वगैरह खोलेंगे नहीं, क्योंकि अगर हम खोलेंगे तो उसको बहुत ज़्यादा हमें दिक्कत पड़ेगी। तो इसलिए मैंने ये एक्स्ट्रा बेल्ट ले लिए, 1 इंच इधर से बढ़ा लिए और 1 इंच उधर से बढ़ा के मैंने इसको एक्स्ट्रा ले लिया है। अब मैं इसको लगाने का तरीका बताता हूँ कि हम इसको किस तरीके से लगाएंगे। और इसकी मैं लंबाई बता देता हूँ कि पहले लंबाई कितनी थी और बाद में हमारी इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी। पहले वाली लंबाई हम देखते हैं इसकी कितनी आ रही है। पहले की लंबाई हमारी है इसकी 38, 38 इसकी लंबाई है। तो जब हम इसमें लेस लगा लेंगे तो देखते हैं कितनी बढ़ जाती है। ये हमारी हो रही है 41, यानी पूरी पूरी हमारी 3 इंच हमारी लंबाई जो बढ़ गई है। तो 3 इंच हमारी लंबाई बहुत मतलब सही है, हमारी बढ़ चुकी है। तो अब मैं इसको आपको लगाने का तरीका बताता हूँ कि हम किस तरीके से लगाएंगे। मैंने इसको लेस को दोनों को आधा आधा करके अलग अलग कर दिया है, फ्रंट और बैक के लिए। तो पहले हम इसका दामन मतलब नाप लेते हैं कि दामन पे हमें कितना आएगी, उसके अकॉर्डिंग ही हम लगाना है हमें, क्योंकि हमें इसको थोड़ा थोड़ा हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है दोनों तरफ का। तो 1-1 इंच एक्स्ट्रा लेके हुए पहले तो हम इसको इतना इतना फोल्ड कर लेंगे। 1-1 इंच मैंने दोनों तरफ से, आप देख सकते हो, मैंने इसको जितना जितना एक्स्ट्रा लिया था उतना उतना मैंने इसको फोल्ड कर दिया है दोनों तरफ से। अब क्या करेंगे, अब इसका हम सीधा एक दामन ले लेंगे जहाँ पे हमें लगाना है फ्रंट वाला, फिर इसको इसके ऊपर इस तरीके से रख देंगे। रख के हम इसको इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा चढ़ाएंगे, ज़्यादा ज़्यादा नहीं, इतना इतना चढ़ाएंगे कि इसके ऊपर ही हमारे आ जाए आराम से। फिर हम इसको एक पैर की सिलाई की मदद से कोने कोने पे हम सिलाई लगा देंगे। फिर इसके जब हम कोने पे हम यहाँ पे सिलाई ले आएंगे तो इसको हम पक्की करेंगे लास्ट में ला के, जैसे हमने शुरू में करी थी पक्की, वैसे ही हम लास्ट में यहाँ पर ला के पक्की कर देंगे सिलाई। और यहाँ से फिर हम इसको घुमाते हुए नीचे तक ले आएंगे। तो हमारी लेस लग के तैयार हो चुकी है, मैं फ्रंट में लगा ली थी, अब बैक में भी हमने लगा ली है। और इसके जो एक्स्ट्रा तागे हैं वो हम कट कर देते हैं। देख सकते हो ये हमारी लेस लग चुकी है और इसकी हमारी लंबाई भी बढ़ चुकी है। देख सकते हो दोस्तों, हमने इसकी लंबाई बढ़ा ली है, यानी हमारी अब हम देखते हैं इसकी कंप्लीट लंबाई हमारी कितनी आ रही है। इसकी लंबाई हमारी पहले थी 38, 38 थी और अब हमारी लंबाई है इसकी यानी 41, यानी पूरी पूरी हमने इसकी 3 इंच जो हमारी लंबाई है इसकी बढ़ चुकी है। 3 इंच हमने इसकी लंबाई बढ़ा ली है। तो आपके पास भी कुछ इस तरीके का जम्फर या वगैरह कुछ भी छोटा हो तो आप इसमें इस तरीके की लेस लगा सकते हो। लेकिन लेस लगाने से पहले आप ध्यान कर लीजिए कि उसकी लेस आप कॉम्बिनेशन के हिसाब से हो। जैसे कि ये लेस इस पर आप देख सकते हो हमारी परफेक्टली मतलब बढ़िया लग रही है। तो दोस्तों, आई होप आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ ज्ञान मिला हो। अगर इसको लेकर आपके मन में कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बता सकते हो। और ऐसी आपके पास भी कोई भी कुर्ती हो तो उसमें इस तरीके से डिज़ाइन करिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और आपको नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ पे चाहिए वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, मैं उस पर भी आपका सोल्यूशन बताऊंगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय फ्रेंड्स।